इसके अंदर हमने ऑरेंज डाला है काफी पिज्जा, और ये रहा तो क्लासिक पिज्जा, हमने 4 पिज्जा। जैसे ये हाईवे है ना, हाईवे वहाँ पे अब ओवरब्रिज बन जाए। सो हे गाइस, स्वागत है आपको हमारे कोर न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग में। एंड गाइस, बाय द वे, आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। एंड मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ इस डेकोरेशन से, जो कि आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे या यहाँ पे लिंक दे दूंगा, सो देख लेना प्लीज़, और उस पर सपोर्ट दिखाना। एंड आज के इस ब्लॉग में परी करने, सो या अभी तो बज रहे हैं 9:30। एंड अभी मैं जाऊँगा दुकान परी, आज केक बनाने वाली है। सो देखते हैं कैसा बनाती है परी। एंड आज हम जम के पार्टी करने वाले हैं, सो एंड तक जरूर देखना ब्लॉग। एंड गाइस, इसको देखकर तो मेरा दिन बन जाता है गाइस, कितना अच्छा है देखो तो। सो ओके गाइस, अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था दुकान, एंड दुकान से अभी आ चुका हूँ। किस लिए गया था कि परी का केक का सामान लाने गया था, जिसकी ये रहा परी का केक का सामान, थोड़ा सा चाहिए बिस्किट केक। यस, तो इसके लिए सिर्फ चाहिए केक, सॉरी इसके लिए चाहिए सिर्फ बिस्किट और इनो चाहिए एक पेयर। भाई इसका दाम पहले 6 रुपये था, अब 10 रुपये कर दिया इसका दाम। सो ये सब चाहिए आपको। एंड आपको मैदा चाहिए, तेल चाहिए, वो सब परी बता देगी। एंड बाहर चल के देखते हैं कितनी ठंड है। एंड मतलब बाहर तो दादा दादी हैं और टाइगर है उधर बाहर, तो यहाँ देखते क्या है। ये देखो इसको, देखो इसको 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 इसको, ये दादी यहाँ पे है, दादा उधर है। सो साइकिल से ही गया था मैं। एंड भाई ये डेकोरेशन, कोई भी आता तो इसको ही देखता है यार, कितना बेस्ट है यार, मस्त। सो अभी परी बनाएगी केक, केक बनाने के बाद हम थोड़ा सा पार्टी करेंगे, पिज्जा मंगवाएंगे थोड़ा सा। सो यार कोई भी कुकिंग वाला लेना है इसको, आपको कोई भी ऐसे बर्तन चाहिए गोल, एंड इसमें आपको जस्ट थोड़ा सा तेल ना उसमें से पूरा फैला देना है। एंड ये तो हमने एक हैक देखा था, उसमें से देख रही सक्सेस है कि नहीं। एंड आपको इसके बाद मैदा इसमें पूरे में छिड़क देना है, मैदा डाल के हम फिर इसमें बिस्किट का हम पेस्ट बना देंगे, उधर से बिस्किट का पेस्ट बना के उसमें डाल देंगे। उसमें बाद इनो डाल देंगे, इनो की डालने के बाद मिक्स करके हम इसका क्रीम बनाने वाले हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अभी परी ने इसमें का क्रीम निकाल लिया, देख सकते हो इसमें का क्रीम निकाल लिया बिस्किट में का। एंड बिस्किट का भी हम क्रश करके उसको हम मेल्ट कर लेंगे, दूध उसमें डाल देंगे, ठीक है। एंड पूरा बनने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमने इसमें इनो डाल दिया, दूध डाल दिया, अब देखो इसको मिक्स कर रहे हैं अभी हम। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, हमने कढ़ाई पर रख दिया है वो करके ग्रेव करके। अभी यहाँ पे परी थोड़ा सा क्रिसमस का वाइब देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम से कुछ डेकोरेट कर रही है। सो या सो के गाइस, केक बन चुका है। एंड हमारा एक फेल हुआ केक बना है, लेकिन ये देखो ये रहा केक, सो कर दिया है। एंड ये अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है भाई, हमारा केक फेल हो गया यार, बर्बाद हो गया। कोई नहीं, लेकिन हम तभी ऐसे खाएंगे चम्मच से लेके। कलर डाला है हमने इसमें, देख सकते हो। एंड ये जमा नहीं है, लेकिन ये आप। एंड अभी हम इसको खाएंगे, कैसे भी हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले कैसा बना है, देख सकते हो। ये रहा, मतलब पक्का तो एवरेज तो आया, थोड़ा थोड़ा अंदर से पका है गाइस, अच्छा है। मैं इसको अच्छा कहूँगा गाइस, इसको अच्छा, ये तो कुछ ज़्यादा जल्दी ले लिया, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। सो ओके गाइस, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। एंड अभी कुछ बज रहे 12, एंड ये अभी थोड़ी देर में पिज़्ज़ा आने वाला है। सो ओके गाइस, अभी पिज़्ज़ा आ चुका है, ये देखो ये रहा पिज़्ज़ा मंगवाया क्लासिक, और ये पेप्सी। सो ये पेप्सी अभी हम खाएंगे सर। ये रहा पिज़्ज़ा, एंड बाकी सब भी ऐसे ही है। एंड इसमें है ओरिगेनो, हमने झोले में लेके ऐसे, तो इसमें है ओरिगेनो, दिखाता हूँ। सो ये रहे ओरिगेनो, इसमें सिली फ्लिक्स भी होंगे, सो आपको पूरा दिखाते करके। गाइस अभी बज गए हैं कुछ 4, एंड अभी मैं जा रहा हूँ सामने, हमारे रोड बन रहा है तो वही देखने जा रहा हूँ। ओ कितनी क्यूटी सी गाय, जा जा जाओ गौ माता।
सो के गाइस वो ये आगे बन रहा है रोड एंड मैं इधर हूँ। सो चलते हैं उधर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ढलान हो गई अब। सो के इधर से तो यहाँ से पूरा वहाँ तक ढलाई हो रहा है, इधर से सारी गाड़ियाँ जाएंगी और हम यहीं से आए हुए हैं। तो सामने ढलान हो गई है और आगे से रोड कट रहा है, देख सकते हो गाइस यहाँ से है, यहाँ से रास्ता पूरा उधर तक है। ये इसलिए होगा ना क्योंकि जो भी यहाँ तरफ की गाड़ी होगी ना वो इधर से निकलेगी यहाँ से, और जो अपना आगे के लिए वो उधर से निकलेगी और जो हमारे तरफ के लिए वो यहाँ से निकल जाएगी, वो आगे जाके इस रोड में जुड़ जाएगा। सो ओके गाइस अभी मैं आ चुका हूँ उधर से एंड अभी कुछ बज रहे हैं 4:30 एंड अभी थोड़ी भूख लग गई थी क्योंकि हमने दोपहर में पिज़्ज़ा मंगाया था, इसलिए वो खा के अब इधर भूख लग गई है। सो यार दादी ने बनाए थे आलू गोभी की सब्जी एंड चावल, सो अभी मैं खाऊंगा एंड आपसे फिर मिलूँगा। तो ओके गाइस अभी कुछ बिज रहे नो एंड या अभी मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पे मैं अभी दाल चावल चोखा एंड भुजिया खाऊंगा। सो या सो ओके गाइस अभी कुछ बिज गए 10 एंड अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ जब हमारा क्रिसमस अच्छे से बन गया। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।